दोस्तों अगर आप भी यूसुफ पठान को एक बेहतरीन हिटर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम के लिए एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है। दोस्तों इस ऐलान के बाद से ही भारतीय टीम ने एक बेहतरीन ऑलराउंडर खो दिया। जैसे ही यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, उनके फैंस की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यूसुफ पठान के फैंस ने यूसुफ पठान के संन्यास पर बहुत ही शोक जताया है। ऐसे में फैंस ने कहा कि तुम बहुत याद आओगे यूसुफ पठान। आपको बता दें कि यूसुफ पठान भारत के लिए 57 वनडे और 22 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। यूसुफ पठान ने ट्वीट करके मैसेज लिखा और कहा कि क्रिकेट को अलविदा कहने का मैंने फैसला कर लिया है। उन्होंने अपनी फैमिली, दोस्त, चाहने वाले और सभी देशवासियों को सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा। यूसुफ ने कहा, क्रिकेट करियर बहुत ही शानदार रहा। इस बीच मैंने अपने सीनियर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने पर मुझे गर्व है। और यूसुफ पठान ने कहा कि भारतीय टीम में उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला जिसे वो कभी नहीं भुला सकते। साथ ही यूसुफ ने कहा कि मेरे जीवन की खास उपलब्धि में से एक है ये, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। दोस्तों इसके साथ ही यूसुफ पठान ने कहा कि जब मैंने अपना क्रिकेट डेब्यू किया था वहीं भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। आपको बता दें कि यूसुफ पठान पहला इंटरनेशनल मैच 2007 में खेले थे और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला था। यूसुफ पठान भले ही उस मैच में 15 ही रन बना पाए थे लेकिन भारत ने उस मैच को जीतकर इतिहास रच दिया था और यूसुफ पठान इसको बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इसके साथ ही यूसुफ पठान ने कहा कि अपने क्रिकेट करियर के दौरान धोनी का वो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिनकी कप्तानी में उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला था। इसके बाद वो भारतीय टीम का हिस्सा बने रहे। धोनी ने उन्हें हर मोड़ पर उनकी मदद की और बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने की सीख भी देते रहे। यूसुफ ने कहा, 2011 के वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा रहना भी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें भारतीय टीम उस वर्ल्ड कप को जीती थी और दो बार वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहा और दोनों बार भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत गई। ये बहुत खुशी की बात है और मैं धोनी भाई को हमेशा इसका श्रेय दूंगा जिनकी वजह से मुझे इतना नाम और इज्जत मिली और इसे मैं कभी नहीं भुला सकता। यूसुफ पठान ने लिखा, मैं अपनी फैमिली, दोस्तों, प्रशंसकों, टीमों, कोचों और पूरे देश के समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। IPL में यूसुफ ने 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंदों पर शतक जमाया था। ये IPL इतिहास का उनका दूसरा सबसे तेज शतक था। क्रिस गेल के नाम 30 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड दर्ज है। वो 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी रहे। रोचक बात यह है कि यूसुफ ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था। भारत ने पहली बार खेले गए इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। इस तरह यूसुफ पठान फाइनल में डेब्यू और चैंपियन बनने का रुतबा हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे। दोस्तों आपको क्या लगता है, यूसुफ पठान जैसे बेहतरीन खिलाड़ी को टीम में और खिलाना चाहिए था या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।